इससे हमारे बालों की लेंथ बढ़ती है। तो ये हम ऐसे ऐसे करके लगा लेंगे अपने दोनों हाथों से। कटोरी में हम इस ऑयल को डालेंगे ऐसे, आप जितना भी लेना। हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी। मैं बुलबुली के ब्लॉग्स में आप लोगों के लिए फिर एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग अपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीके से। सो गाइस, चलिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन जिन लोगों ने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों को हर दिन ऐसे ही नॉर्मल अपने वीडियोस बता सकूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक कोई भी ऑयल ले लोगे। मैं वैसे एक हेयर केयर ऑयल यूज़ करती हूँ। सो आप लोग जो भी ऑयल यूज़ करते हो तो आप लोग एक ऑयल ले लेंगे। और उसके बाद फिर हमें एक चाहिए छोटी सी कटोरी। इस कटोरी में हम इस ऑयल को डालेंगे ऐसे, आप जितना भी लेना चाहो आपके बालों के हिसाब से। तो मैंने इतना ले लिया है, आप लोग देखिए इतना मैंने ले लिया है। अब आपको जितना डालना है इसमें आप उतना डाल सकते हो। सो अगर आप लोगों के पास विटामिन ए की कैप्सूल हो तो आप इसमें विटामिन ए की कैप्सूल मिक्स कर सकते हो। सो हम नॉर्मली तरीके से अपने बालों में अच्छे से मसाज करेंगे। मैं अपने बालों को खोल रही हूँ अभी। एंड हम इसे चंपी करते हुए अच्छे से पूरे बालों में अपने लगा लेंगे। तो देखिएगा इस मेरे बाल अभी आप लोग देख सकते हो। मैं हमेशा अपने बालों की केयर ऐसे ही करती हूँ घर पे। आप लोग जो भी ऑयल यूज़ करते हो आप लोग वो ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैं हेयर केयर ऑयल यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग भी ये ऑयल यूज़ करके देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे बालों के लिए, बट आप लोगों के बालों के लिए ये मुझे आइडिया नहीं है कि कैसा होगा, बट आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। सो मैं अब अपने इसी तेल से अपने बालों में अच्छे से इसे पूरा ऑयल करूँगी। गाइस, हम ऐसे मसाज करते हुए लगाते जाएंगे अपने बालों में, पूरा अच्छे से ऑयल करेंगे। हमें अच्छे से पूरे जड़ में लगाना है ऑयल को, ताकि हमारे बालों में जो है अच्छे से ऑयल लग जाए। क्या होता है किसी किसी के बालों में उसे ऊपर ऊपर ही ऑयल लग पाता है और अंदर नहीं लग पाता है। तो ये हम ऐसे ऐसे करके लगा लेंगे अपने दोनों हाथों से जड़ में ऐसे करते हुए, ताकि जड़ के अंदर तक तेल जाए। ये ऐसे हमें करना है। अच्छे से आप ऑयल कर लोगे अपने बालों में पूरे। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं मुझे। देन आपको जो भी मुझसे क्वेश्चन करने हैं आप इस वीडियो में मुझसे पूछ सकती हो, और मुझे किस टाइप के और वीडियो बनाने चाहिए। सो गाइज, आप लोग ये सब भी मुझे बता सकते हो, तो मैं आप लोगों के लिए और नए वीडियोज लेकर आऊँ। तो गाइज देखिए, ऐसे हमें अपने बालों में अच्छे से ऑयल करना है। सो अब हम पीछे के बालों में अच्छे से करेंगे ऑयल। अपने हाथों को ऐसे चलाते हुए करना है, मसाज करते हुए ऐसे, और हम अपने बालों में ऐसे चंपी जैसे करेंगे, जिससे कि हमारा माइंड है जो अच्छे से फ्रेश हो जाएगा। सो हमारा दिमाग तेज चलेगा इससे। सो गाइस देखिए, ऐसे करना है। अब हमें ऐसे ऐसे करना है अपने बालों में। हम अच्छे से अपने बालों में चंपी करेंगे। ये स्टेप भी आप ले सकते हो। इससे हमारे बालों की लेंथ बढ़ती है, देन हमारे बाल भी झड़ने कम होते हैं। सो गाइस, ये मैंने अपने पीछे के बालों में लगा लिया है। देन ऐसे ही मैं अपने पूरे बालों में लगाऊंगी अच्छे से। तो देखिए गाइस, ये मेरे अपने पूरे बालों में अच्छे से लग चुकी है ऑयल। अब बस मुझे अब कल सर को वॉश करना है, तो अभी मैं ऐसे ही जूड़ा बना लूँगी। तो गाइस, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। और देन मुझे कैसे वीडियो और बनाने चाहिए सो आप लोग मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो। तो गाइस देखिए, मैंने अपने बालों में अपने खुद के हाथों से बहुत ही अच्छे से ऑयल लगा लिया है। आप लोग देख सकते हो, कहीं भी सूखे नहीं नज़र आ रहे होंगे। सो देखिए गाइस, ये मैंने अच्छे से लगा लिया है।
तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो ऑयल वाली? सो आप लोग भी घर पे ऐसे ही अपने बालों की केयर कर सकते हो। देन आप लोगों के पास विटामिन ई की कैप्सूल हो तो आप लोग आपकी कोई भी ऑयल में मिक्स करके और फिर अपने बालों की चंपी अच्छे से कर सकते हो। सो गाइस बाय बाय, फिर मिलेंगे कैसे ही न्यू वीडियो के साथ बुलबुल डी के ब्लॉग्स में। सो बाय।